हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हमारी पेड ग्रुप की ये पहली क्लास है और इस वीडियो में दोस्तों हम NTA UGC नेट के बारे में बेसिक से बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस ग्रुप में कई नए मेंबर भी जुड़े, उनको ये नहीं पता कि NTA UGC नेट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और एक बात और जो आती है कि GRF के लिए उम्र कितनी होती है, इस तरह के कुछ बेसिक सवाल है जो काफ़ी दोस्तों को नहीं पता। तो ये वीडियो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक करने वाले हैं, प्लस में हम इसमें सिलेबस भी देखेंगे कि NTA UGC नेट में 2019 में क्या बदलाव हुआ है। और ये दोस्तों जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है उसके अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि काफ़ी दोस्त डरे हुए हैं कि हाय अब तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, पता नहीं कैसा है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या चेंज हुआ है और चेंज हुआ है तो वो किस तरीके से चेंज हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए NTA UGC नेट का फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% होने ज़रूरी है, और अगर आप SC, ST, OBC, PWD और अभी जैसे एक और नई कैटेगरी आई है EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो उसके लिए 50% मास्टर डिग्री में होने ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो GRF जो लोग करना चाहते हैं उसकी उम्र रखी गई है 30 साल, 30 साल तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ छूट भी दी गई है दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 साल के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम एज लिमिट की इसमें देखते हैं कि किस किस को छूट मिली हुई है। इसके अंदर देखिए जो लोग OBC, PWD और वुमेन ट्रांजेस्टर वगैरह जो है, SC, ST जो लोग हैं उनको दोस्तों 5 साल की छूट दी गई, यानी कि वो 35 साल तक GRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे और भी इसमें दी गई है, ये आपको PDF है आपको मिल जाएगी दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आते हैं इसके अंदर, इसके पैटर्न के बारे में आते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, और जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया उनको पता है, ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों जैसे पेपर फर्स्ट और सेकेंड दो होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है वो कॉमन होता है, सभी के लिए होता है, और सेकेंड जो होता है वो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये हो गया। और जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का टाइम होता है। और पेपर जो सेकंड होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का होता है ये, और ये 2 घंटे का होता है। आगे बात आती है दोस्तों पेपर फर्स्ट के अंदर जो हमारी यूनिट्स है उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो दोस्तों इसमें 10 यूनिट आती है और 10 यूनिट में हर एक यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के बनते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं UGC नेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस में सबसे पहली हमारी यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, जो हमारे नए मेंबर है यानी कि जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, शायद वो ये इतना बड़ा सिलेबस देख के थोड़ा डर सके और सोचे कि ये पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम कोर्स आगे बढ़ाते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि टीचिंग में क्या क्या आता है। टीचिंग में सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। और कई बार जैसे कि अभी इस बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछ लिया था कि स्वामी विवेकानंद का क्या कथन था, उनकी क्या विचार वगैरह थे, तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति का टीचिंग के बारे में क्या मत था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सबसे पहले पूछी जाती है। उसके बाद में जैसे ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, टीचिंग का शिक्षण का क्या उद्देश्य, इसके बारे में पूछा जाता है। और फिर दोस्तों एक जो नई चीज़ अब की बार ऐड हुई है वो ये लेवल ऑफ टीचिंग, इसके अंदर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछा है। इसके बारे में पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अब की बार ये नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो लेक्चर होगा उसके अंदर। और उसके बाद दोस्तों हमारा आता है करैक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, शिक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों लर्नर करैक्टरिस्टिक, और इसके अंदर जो यानी कि जो पढ़ा रहा है और जो सीख रहा है उन दोनों के क्या क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि देखिए हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं तो सभी के कुछ ना कुछ गुण अलग होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये आता है कि फैक्टर इफेक्टिंग
टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर स्पोर्ट मटेरियल। अब ये आता है कि हमारी जो टीचिंग है उसको क्या क्या इफेक्ट करता है, टीचर लर्नर स्पोर्ट मटेरियल, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि किस किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और जैसे हमने देखा कि पहले का जो समय था आज से 10-20 साल पहले की हम बात करें तो ऑफलाइन तरीके से पढ़ते थे, लेकिन आज का जो टाइम है दोस्तों, अभी जैसे अभी का करंट की बात करें तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से, तो ये थोड़ा चेंजेज आया है ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड के बारे में, तो इन सभी के बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, यानी कि ये वही बात आई कि पहले हम किस तरीके से पढ़ते थे, फिर मॉडर्न स्टाइल में कैसे पढ़ते थे, और आईसीटी के अंदर हम किस तरीके से टीचिंग को पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है दोस्तों इवेल्युएशन सिस्टम, और इसमें से दोस्तों बहुत बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये जो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और ये हमें करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, ये हम आगे करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आता है हमारा जो सेकंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड आता है दोस्तों। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जैसे कि सबसे पहले मीनिंग आता है वही कि रिसर्च क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। इसमें से दोस्तों इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि रिसर्च क्या है, तो ये हमारे लिए करना जरूरी है। फिर आता है दोस्तों टाइप, टाइप में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्शन रिसर्च हो गया, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च हो गया, जो जिन्होंने पहले एग्जाम दिया उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आज की जो एक और वीडियो हमारी आने वाली है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि रिसर्च में से कितने टाइप में से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, तो ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जैसे नया जो कॉन्सेप्ट आया है, और ये वैसे तो नया है लेकिन इसमें से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, हमने पहले ध्यान नहीं दिया वो चीज़ अलग है, लेकिन अब की बार क्या है कि एनटीए ने ये थोड़ा मेंशन कर दिया इस चीज़ को, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, इसके बारे में। और आगे आता है दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए टाइप और मेथड ऑफ टीचिंग ये कुछ कुछ रिलेटेड है और इसमें कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मेथड क्या होता है और टाइप क्या होता है। और ये जो है दोस्तों ये सभी मेथड हमारे लिए करना जरूरी है। और अब इसके बाद में दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जैसे स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च के अंदर दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हम बिल्कुल सिंपल जो नॉर्मल स्टेप होते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर क्या पूछते हैं कि एक्शन रिसर्च के स्टेप क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के क्या क्या स्टेप है, और हिस्टोरिकल के क्या है, तो इन सभी तरह की रिसर्च के अलग अलग स्टेप होते हैं, इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और अब की बार भी जैसे आया था एक क्वेश्चन एक्शन रिसर्च से आया था, उसके अंदर स्टेप पूछे हुए थे, तो ये हमारे लिए करना जरूरी है। और उसके बाद दोस्तों एक आया थीसिस आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। इसके बारे में दोस्तों पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए जैसे एपी स्टाइल, एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तो इसके बारे में पहले 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन पहले ये जो चीज़ें मेंशन नहीं की हुई थी लेकिन अब की बार ये अच्छे से मेंशन की है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें आती थी पहले लेकिन पहले मेंशन नहीं थी, अब अच्छी बात है कि इन्होंने क्लियर कट बता दिया भाई ये चीज़ आएगी ये चीज़ नहीं आएगी। और उसके बाद में दोस्तों हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर कंप्यूटर बेस यानी कि इंटरनेट का क्या काम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में होता है रिसर्च इथिक्स, रिसर्च इथिक्स यानी कि कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर हमें कितनी ईमानदारी किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों अनसीज पैसेज जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ये दोस्तों ये हम जब 5वीं क्लास में थे तब से करते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आज भी गलती करते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर हम 5 के 5 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं और 5 के 5 भी गलत हो सकते हैं हमारे, तो ये हमें करना ज़रूरी है, अच्छे से ही हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन देखा जाए तो बहुत ही मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिट है, इसके अंदर हमें बहुत मज़ा आता है। कम्युनिकेशन यानी कि हम संचार जिसे कहते हैं, किस तरीके से हमें बोल चाल की भाषा रखनी चाहिए और जो ऑफिस वगैरह में उसमें कैसे, और इसमें जो सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन से आता है, यानी कि क्लास के अंदर जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उससे कम्युनिकेशन कैसे करना है। जैसे देखिए क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, कोई नलायक भी होता है, कोई होशियार बच्चा भी होता है, तो उन दोनों के साथ किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जैसे मीनिंग, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर क्या क्या बाधाएं आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आए हैं। अब जो एक नई चीज़ ऐड, दो चीज़ हुई है, एक तो इंटरकल्चरल ऐड हुआ है इसके अंदर, जैसे हमारी कल्चर होती है और अलग अलग तरह की कल्चर होते हैं उनके अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसके अंदर ये होता है जो दोस्तों जैसे मास मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे टीवी हो गया, टीवी से क्या है कि एक साथ हम लाखों लोगों को कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सोसाइटी
सोसाइटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी में कम्युनिकेशन किया जाता है, और इसके अंदर और भी कई तरह की चीज़ें आ सकती है। जैसे आजकल ऑनलाइन सोसाइटी की बात करें तो फेसबुक की ऑनलाइन सोसाइटी है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे इसके अंदर। और आगे अगर हम बात करें दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके अंदर टाइप ऑफ रीजनिंग, सबसे पहले कि कितनी तरह की रीजनिंग होती है वो देखेंगे इसके अंदर, और फिर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशन, ये जो चीज़ें दोस्तों ये पहले भी आ चुकी है, और ये जो चीज़ें बिल्कुल आसान है अगर हम करें तो। और इसमें से एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें काफ़ी बार मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं लेटर सीरीज, नंबर सीरीज के अंदर, और वो क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि UGC नेट ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, और इसलिए मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे फ्रैक्शन हो गया, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और एवरेज वगैरह, ये चीज़ें आती है दोस्तों। अगर ये चीज़ें वैसे नॉर्मली देखा जाए दोस्तों ऊपर से तो ये हमें ऐसे लगेगा कि ये काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि इसके अंदर जो UGC नेट में जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल के, वो बिल्कुल आसान आते हैं, इतने बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा लॉजिकल रीजनिंग। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करें, और अगर इसमें देखा जाए दोस्तों कि अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली जो क्लासेज होगी उनमें बहुत अच्छे से करेंगे और विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करेंगे। और इसके अंदर हम देखें जैसे कि क्या क्या आता है इसमें, जैसे आर्ग्यूमेंट फॉर्म आ गई, आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कथन अभिकथन हो गए, जो ओल्ड मेम्बर है यानी कि जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उन लोगों को पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता लेकिन आगे की जो क्लासेज होगी उनमें हम अच्छे से करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि प्रेपोजिशन आते हैं और स्केयर ऑफ ओपोजिशन आते हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। और दोस्तों ये जो PDF है मैं आपको दे दूंगा, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, और अगर मैं एक एक चीज़ के बारे में बताने लगूँ दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर किसी का कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो, सिलेबस से रिलेटेड कुछ समझ में ना आई हो बात, तो आप हमें WhatsApp पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और वही बात आ रही है दोस्तों, अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगूँ तो जो हमारे एडवांस मेंबर हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो बोर होने लगेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम बात करें दोस्तों रीजनिंग के अंदर, जैसे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। और एक वेन डायग्राम भी बहुत मज़ेदार एक चीज़ है दोस्तों, इसमें से अगर थोड़ा सा हम ध्यान से क्वेश्चन करें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही हो सकता है, इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। और लॉजिकल रीजनिंग में जो अगली चीज़, जो नई चीज़ आती है वो है दोस्तों हमारी इंडियन लॉजिक आता है, और इंडियन लॉजिक के अंदर जैसे कि प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, इन तरह की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है और ये इतना मुश्किल नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और आगे हम बात करें जैसे स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, व्यक्ति, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे हम बात करें दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके अंदर दोस्तों जैसे आपने अब की बार देखा होगा कि कितने आसान क्वेश्चन आए थे, ये जो एक टॉपिक है दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को काफ़ी टफ लगता है, भाई DI जो है वो बहुत टफ है, वो हमसे नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी हम मेहनत करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये टॉपिक है, ये भी आसान टॉपिक है। और कई बार जैसे मैंने बताया कि NTA UGC नेट बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि अब की बार June 2019 में जो DI के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी शिफ्ट में लगभग बिल्कुल आसान थे। और DI के अंदर जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम बात करेंगे, और आगे हम देखें कि इसके अंदर क्या आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे हम 5वीं से लेके 6ठी 7वीं में भी करते आए हैं कि जैसे एक ग्राफ दे दिया कि इस ग्राफ के अंदर क्वेश्चन वगैरह होते थे, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, इन सभी के बारे में दोस्तों हमने पहले पढ़ा हुआ है और हम अब दोबारा से इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और नहीं आई है दोस्तों, वो है डेटा एंड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं वगैरह होती है उनको DI में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो हम इसके अंदर करेंगे। दोस्तों पेपर फर्स्ट में अगली यूनिट हमारी आती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर सामान्य भाषा में इसे समझा जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों जनरल टर्म जो हमारी होती है, जैसे कि HDD हो गया, CPU हो गया, GUI क्या होता है, USB क्या होता है, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे बेसिक इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे WWW क्या होता है, HTTP क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेट और ईमेल के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, ईमेल से
बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम नॉर्मली ईमेल करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, टू आता है, फिर सीसी आता है, फिर बीवीसी आता है, फिर सब्जेक्ट वगैरह ये चीज़ें आती है। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और इनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। फिर ऑडियो वीडियो जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर का, इंटरनेट के अंदर करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक नई चीज़ आई है दोस्तों, वो है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई है डिजिटली, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आईसीटी एंड गवर्नेंस, यानी कि सरकार ने क्या क्या नई नई योजनाएं लेके आई है इंटरनेट के ऊपर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में दोस्तों प्यूपिल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसके बारे में आता है। और इसमें दोस्तों एक नई जो चीज़ आई है हम देखें तो ये है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेन डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर ये जो चीज़ है दोस्तों सस्टेन डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन ये चीज़ पहले मेंशन नहीं की हुई थी, लेकिन अब ये चीज़ मेंशन कर दी है। और ये जो चीज़ है ये एक नई आई है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में अब की बार क्वेश्चन आया था। और उसके बाद दोस्तों आता है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट उनके अंदर क्या संबंध है उन दोनों के बीच में, और किस तरीके से ह्यूमन है वो इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। आज जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जा रहा है ह्यूमंस द्वारा, और इससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और उसके बाद में जैसे आगे आता है एनवायरनमेंट इशू, एनवायरनमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। और लगभग हर बार आता है कि पानी जो सबसे ज़्यादा वेस्ट किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। और एयर पोल्यूशन में से भी आ चुके हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो पोल्यूटेंट है, यानी कि छोटे छोटे, जैसे अगर हम बात करें जैसे चिमनी वगैरह होती है धुएं की, उसमें से छोटे छोटे पोल्यूटेंट होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो ह्यूमन की हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे एनर्जी के बारे में आती है दोस्तों, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोइल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद आते हैं दोस्तों नेचुरल हैजार्ड्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आगे दोस्तों जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि क्या क्या कानून बनाए गए हैं एनवायरमेंट को अच्छे से रखने के लिए, क्या क्या पॉलिसी वगैरह बनाई गई है, और इसमें से जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, और पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी जो चीज़ें दोस्तों इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीज़ें हम आगे करेंगे। और दोस्तों पेपर फर्स्ट की सबसे आखिरी और 10वीं यूनिट आती है हमारे पास हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी तरह के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्जी यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है और किस यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंकिंग मिली, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में जो एक नई चीज़ अब की बार हुई है वो मैं भूल गया मार्क करना, इसके अंदर ये है कि इसमें हिस्ट्री का जिक्र किया गया, यानी कि पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरीके थी, प्राचीन भारत में किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी एंशियंट इंडिया के अंदर। और उसके बाद जैसे कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारी शिक्षा प्रणाली किस तरीके से हुई, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें काफ़ी तरह की समिति वगैरह होती है, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सभी हमें हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जैसे कि ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि इसका मतलब होता है कि भारत में जैसे पारंपरिक रूप से किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी और फिर गैर पारंपरिक तरीके से किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जैसे प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक तो हम जैसे कि ITI के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें काम करना सिखाया जाता है, किसी मशीन के बारे में बताया जाता है, जैसे वेल्डिंग वगैरह करना सिखाया जाता है, रेफ्रिजरेटर ठीक करना सिखाया जाता है, और दूसरा यानी कि थ्योरेटिकली पढ़ाई होती है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे जो शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में जैसे वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है और एनवायरमेंटल है। उसके बाद में जैसे एक चीज़ और जो छोटी सी है उसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, वो है दोस्तों हमारी पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो सरकारी योजनाएँ वगैरह चल रही है, पॉलिटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ इसमें से आता है। और पहले क्या होता था दोस्तों, एक स्पेशल एक टॉपिक था पॉलिटी का, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और अब की बार इन्होंने ये जो टॉपिक है ये हायर एजुकेशन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिलेबस, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है या कोई सवाल जवाब है जो नए जो स्टूडेंट हैं उनको या पुरानों को, कोई भी किसी भी तरह की
दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम इसमें सिस्टमेटिक तरीके से डेली टीचिंग करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हम आपको काफ़ी तरह के नोट्स दे रहे हैं, जैसे कि ओल्ड पेपर PDF दे रहे हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने सेपरेट टॉपिक वाइज अलग किया है। जैसे टीचिंग में से जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग किए हैं, और रिसर्च में से जो क्वेश्चन आए वो अलग किए। उससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, व्हाट्सअप नंबर हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी स्क्रीन पे भी आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।